अभी हम बात कर रहे हैं फाइलोजनी की एवोल्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन की इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सेल्स जो हैं नॉर्मली अगर आप देखें एनिमल्स को जब भी डिस्कस करना हम शुरू करें सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गेन्स ऑर्गेनाइल फिर फंक्शन इनके आ जाएंगे ऑर्गन्स आ जाएंगे सिस्टम्स आ जाएंगे तो सबसे जो बेसिक यूनिट है एनिमल ऑर्गेनाइजेशन में वो है सेल जिस तरह से आपको पता है कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर जो ब्रिक्स है वो क्या है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है इसी तरह से सेल भी एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन में उसका बिल्डिंग ब्लॉक है डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक क्या होगा ग्रीक वर्ड है डिप्लोज का मतलब है टू फोल्ड ब्लास्टिक का मतलब है स्प्राउट यानी इसमें अगर हम ये देखें तो सिर्फ एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सेल और टिश्यू लेवल तक ही होगी इससे आगे ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाएगी और इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अपने आप को लेयर्स की शक्ल में अरेंज करेंगे और ये लेयर्स में किस तरह से अरेंज करेंगे कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर सिर्फ सेल्स जो हैं वो टिश्यूज की शक्ल में अपने आप को अरेंज करेंगे अब लेयर्स जो हैं वो हैंक्टोडम एंडोडम मिजोडम एक्टोडम क्या है सबसे बाहर वाली लेयर यानी कि स्किन एनिमल की स्किन इससे बनेगा एपिडर्मस, आउटर बॉडी वाल इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है एंडोडर्म एंडोडर्म से बनेंगे इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ़ हिस्से जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रोडर्मिस यानी जो हमारी गट है उसके लाइनिंग की कैविटी किडनीज की कैविटी लंग्स की कैविटी वो सारी की सारी जो है वो एंडोडम से ही बनेगी और फिर है इन दोनों के दरमियान में एक लेयर मौजूद होगी जिसको हम कहेंगे मिजोगलिया अब ये मिजोगलिया क्या है दिस इज नथिंग बट अ सिंपल लेयर ऑफ नॉन सेलुलर सेल्स ये इन दोनों के जेली लाइक -like लेयर होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो एक लाइक -like लेयर है उसको हम कहेंगे मिजोगलिया कुछ डिप्लोब्लास्टिक जानदार ऐसे हैं कि इनके अंदर सेल्स जो हैं वो हमेशा मिजोक्लिया के अंदर ही मौजूद रहेंगे क्योंकि वो सेल्स या तो एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं या एंडोडम से डिराइव होते हैं और उसके बाद जब बन जाते हैं तो कहाँ आ जाएंगे दरमियान में और दरमियान में क्या प्रेजेंट है मिजोक् अब ये सेल्स जो हैं हर टिश्यू के अंदर इनकी फंक्शनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होगी इवन दो दीज सेल दे अरेंज दैम सेल्स टुगेदर लेकिन फंक्शनल क्या करेगी इनके अंदर इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा डाइजेशन का फंक्शन सेपरेट होगा रेस्पेरेशन का फंक्शन सेपरेट होगा जिन सेल्स ने स्केलेटन बनाना है उनका फंक्शन सेपरेट होगा रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो सेपरेट होंगे इसी तरह से जो बॉडी लेयर है गेस्ट्रोडर्मस गेस्ट्रो के वर्ड से ही आप फेमिलियर हैं समथिंग दैट इज लिंकड विद फूड या इसको हम और क्या कहेंगे डाइजेस्टिव के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जिनका सेल्स का लिंक है उनको हम कह देते हैं गैस्ट्रोडर्मस सेल्स अब गैस्ट्रोडर्मस सेल्स में न्यूट्रिटिव सेल्स आ जाएंगे मस्कुलर सेल्स आ जाएंगे एपिडर्मस मौजूद है और एपिडर्मस में है एपिथेलियल और मस्कुलर सेल्स अब इस डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स मोस्टली इसके अंदर हैं वो हैं फाइलम सिलेंट्रेटा से और सिलेंट्रेटा आपके जहन में जब भी आता है तो एनिमल जो मोस्ट कॉमन है वो है हाइड्रा हाइड्रा जो है इसकी फीडिंग मोमेंट या स्विमिंग मूवमेंट जो हैं जेलीफिश हाइड्रा ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के इसके अंदर जेलीफिश जो है इसके अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं और उनके अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है कुछ में सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो वहाँ से आगे आए सिलेंट रेटा दैट इज हायर आयलम एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटोजआ और पॉरिफ्रा तो यहाँ तक हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन आ गई है दैट इज एट द टिश्यू लेवल यहाँ पे डायग्राम में आप देखें एक्टोडम एंडोडम मिजोगलिया एक्टोडम बाहर वाली लेयर है जिससे ये स्किन सरफेस ये मौजूद होगी एंडोडर्म गट के बाहर वाली लेयर और मिजोगलिया अब जो भी सेल्स होंगे दे विल बी सस्पेंडेड इन द मिजोग्लिया